फ्रेंड जिस तरह आप देख सकते हैं वकार भाई जो है वो इस टाइम काम कर रहे हैं, ये स्कार्टिंग लगा रहे हैं। ऑलरेडी वो लगी हुई थी लेकिन आज इनसे हम पूछेंगे कि ये जो इसके पीसीज हैं ये टूट क्यों रही है और निकल क्यों रही है। तो अस्सलाम वालेकुम। वकार भाई कैसे हैं आप? ठीक हैं? तबीयत कैसी है आपकी? तो ये बताएं हमारे फ्रेंड्स को कि ये जिस तरह ऑलरेडी इसकी स्कार्टिंग लगी हुई है तकरीबन 7-8 साल हो गए हैं, ठीक है, तो क्या वजह बनी है, ये निकल क्यों रही है इस तरह? सर ये इसलिए निकली है कि इसके ना नीचे माल सही लगा हुआ था। अच्छा। कहीं पे वो जब लगाते हैं हेल्पर लगा देते हैं लोग, तो वो जैसे ही नीरू लगाते हैं ना कोने, इसके कोने पे नीरू नहीं लगा हुआ था। अच्छा। बस ऐसे लगाते हैं स्पीड से तो फिर इधर ऊपर कर दी फीलिंग, जैसे वो ठोकर लगती है तो फिर ये टूट जाती है। ये देखें इस जगह पे मसाला नहीं है, नीरू नहीं लगा हुआ, जैसे ये इस जगह पे ठोकर लगी है तो बिल्कुल टूट गई है। ये देखो ना ये टूटी हुई है, यानी कि उसने सही फीलिंग ही नहीं की। फीलिंग नहीं की। अब देखें ये पीस पूरा मुकम्मल सही लगा हुआ है सर। ये वाले जो जगह है असल में इसका हक तो ये था कि इसको इधर से ऐसे काट देता है ताकि ये इसकी जो होती है ना वो बीडिंग लगती है, बीडिंग पट्टी उसकी जगह छोड़नी पड़ती है, इसने चुगाड़ के ऊपर लगा दिया ये। अच्छा, कहने का मकसद है कि उसको आगे तक लगानी नहीं चाहिए थी। लगानी चाहिए थी क्योंकि इसकी जो है ना बीडिंग पट्टी की जगह छोड़नी चाहिए थी उसको, तो अब इसको मसाला भी सही लगाया उसने। सही। नॉर्मली वैसे आम रूटीन में किस तरह स्कार्टिंग लगती है? स्कार्टिंग को मुकम्मल बस ऐसे नीरू लगा के ना तो बिल्कुल ऐसे रख के तो। अच्छा, आजकल जिस तरह आजकल जो घर वगैरह बन रहे हैं उसमें स्कार्टिंग ये तो है मेरे ख्याल चेंज की है ना? जी चेंज की। आजकल कौन सी लग रहा है साइज? आजकल यही साइज लग रहा है, बस ये जो टाइल होती है ना चीनी की टाइल उसमें है कि वो 4 इंच की होती है, 5 इंच की होती है, उससे छोटे भी होती है 3-4 इंच की। 3 इंच की तो वो फिर हर मालिक की अपनी चॉइस होती है, खूबसूरत लगती है 3 इंच की भी, 4 इंच की भी, ज्यादा बड़ी खूबसूरत नहीं लगती। लेकिन अब वो ट्रेंड चेंज हुआ है जी, अब लोग 6 इंच की नहीं लगवाते। तो ये तो ऑलरेडी तकरीबन 7-8 साल पहले घर बना है ना, तो उस टाइम ही मतलब लोग इसी तरह की लगवा लेते थे। सही है। तो ये जो आपने बात बताई है कि स्कार्टिंग जो है चुगाड़ के ऊपर नहीं लगानी चाहिए, चुगाड़ के ऊपर नहीं लगानी चाहिए, थोड़ा सा पीछे हो ताकि इसकी अभी अभी यहाँ पे फ्रंट जिस तरह आप देख सकते हैं यहाँ पे ये साइज होना चाहिए था, जो साइज अभी बचा है ना जो बीडिंग पट्टी 3 इंच की होती है वो लग जाती है। सही है। 2 इंच की भी लग जाती है लेकिन ये है कि इसको चुगाड़ के ऊपर नहीं आना चाहिए था, इसको बिल्कुल इसके बराबर होना चाहिए था। ठीक है। तो ये फ्रेंड यही मसला बना है कि ये तकरीबन 7-8 साल हो गए हैं इस घर को, तो अभी ये जो हम काम करवा रहे हैं इसका ये स्कार्टिंग जो है कॉर्नर से टूट टूट के गिर रही है। तो ये है जी आपके सामने इसका प्रोसीजर है, बॉन्ड लगा के दोबारा से सफाई करने के बाद इसको लगाया जा रहा है। तो मैंने सोचा चलें फ्रेंड से ये सारी इंफॉर्मेशन जो है वो शेयर करें कि जब आप लोग घर की कंस्ट्रक्शन करवाएं तो ये चीज़ें जो है वो आपको माइंड में रखनी चाहिए, काम जो है वो अच्छे से करवाना चाहिए मिस्त्री से या ठेकेदार जो होते हैं सारे उनसे। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी हो तो हमेशा की तरह आप लोगों से रिक्वेस्ट है चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें फ्रेंड्स में। नेक्स्ट वीडियो के लिए आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।